तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग को रीड किया था कि अगर आप लोग फाइनल गुड्स से इंटरमीडिएट गुड्स को बाइफर्केट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों के लिए नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग हो जाती है। उससे बचने के दो मेथड हमने कहा था, एक आप फाइनल गुड्स का मेथड ले सकते हैं या वैल्यू एडेड मेथड ले सकते हैं। अब एक आखिरी टॉपिक आता है और ये नेशनल इनकम पूरी तरीके से, मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल हर एक पार्ट विद क्वेश्चन हमारे लिए फिनिश हो जाता है, और वो रहता है हमारे लिए प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में कौन कौन से प्रिकॉशंस, सावधानियां, टेक्निकली नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस हम लोगों को रखने चाहिए, ये हमारे लिए टॉपिक आता है। नेशनल इनकम अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इनकम को हम लोग तीन मेथड से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रैक्टिकल मेथड हम लोग शुरुआत में इनको पढ़ लिया था। प्रोडक्ट मेथड के 7 प्रिकॉशंस पॉइंट है, इनकम मेथड के 10 प्रिकॉशन पॉइंट है और एक्सपेंसेस मेथड के 5 प्रिकॉशन पॉइंट है। 22 प्रिकॉशंस हैं जो कि हम लोगों को रखनी चाहिए जब आप लोग कोई भी मेथड को इन पर यूज़ कर रहे हो। प्रोडक्ट मेथड पर 7 प्रिकॉशंस हमारे को रखना चाहिए। अगर आप ये ध्यान नहीं रखोगे इन चीज़ों को तो या तो अंडर एस्टिमेट हो जाएगी नेशनल इनकम या ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए मस्ट है कि आप लोग ये प्रिकॉशंस को ध्यान रखें, सावधानी रखें, किन किन को लेना है और किन को नहीं लेना है, ये पॉइंट हमारे लिए यहाँ पढ़ने को मिलेगा। अगर आप इनको कंसिडर नहीं करोगे या तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी डबल काउंटिंग के रूप में या अंडर एस्टिमेट हो जाएगी, कोई चीज़ आनी चाहिए थी लेकिन हम ले ही नहीं पाएंगे। प्रोडक्ट मेथड में याद आए ना, तो नेशनल इनकम बनाने के लिए देखो NNPFC हम लोग नेशनल इनकम को बोलते हैं, तो वहाँ पहले GDP MP बनता है और GDP MP बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा कहा था ना कि सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हम लोग करते हैं तो ये GDP MP आ जाता है। फिर तो वही ग्रोथ से नेट बनाने के लिए डेप्रिशन को लेस करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए नेट फीफा को एड करते हैं, और फिर हमारे लिए फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए नेट IT को हम लोग लेस करते हैं, तो ये हमारे लिए NNPFC आ जाता है। अब क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ रखना है, 7 प्रिकॉशन पॉइंट है। सबसे पहला, सेल तो लेना है लेकिन सेकंड हैंड गुड्स के सेल को इंक्लूड नहीं करना है। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी सेकंड हैंड गुड्स का सेल हुआ ना उसको नहीं लेना है। रीजन ये कि ये जब फर्स्ट टाइम सेल हुई होगी ना, मान लीजिए कोई कार 14-15 में सेल हुई थी, उस ईयर की सेल में आ गई होगी तो उस ईयर की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। अब मान लो 18-19 में उस बंदे ने इस कार को सेल कर दिया तो ये सेकंड हैंड गुड्स हो गया। अभी जो सेल हुआ ना सेकंड हैंड गुड्स का सेल, उस सेकंड हैंड गुड्स के सेल को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो सेकंड हैंड, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम सेल हुआ होगा ना तभी बेटा हमारे लिए इंक्लूड हो गया होगा। तो सेकंड हैंड गुड्स को वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और GDP। सेल से GDP MP निकलता है तो उसमें नहीं लेंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे आर प्रोड्यूस। जिस साल वो बनी थी, मतलब जिस साल फर्स्ट टाइम वो सेल हुई ना टेक्निकली, उस समय हमारे लिए वो आ चुका है, इसलिए अब उसको हम लोगों को शामिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स पर जो कमीशन अर्न हुआ ना जिस पार्टी को, तो मान लीजिए एक्स था, एक्स के पास वो कार थी, एक्स ने ना वो कार बेटा किसी ट्रू वैल्यू को सेल कर दिया। ट्रू वैल्यू ने उस कार को वाई को जब सेल करा तो ट्रू वैल्यू ने तो क्या करा, एक्स से खरीदा, वाई से वाई को बेचा, थी सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड गुड्स की सेल को तो हम लोग शामिल ही नहीं कर रहे, मगर इसके बदले में ट्रू वैल्यू ने 10,000 rupees का कमीशन अर्न किया। तो ये कमीशन तो अपने आप में एक तरह की इनकम हुई ना, ये तो फर्स्ट टाइम इनकम हुई ना इसकी ट्रू वैल्यू के लिए, वो कमीशन जरूर हमारे लिए नेशनल इनकम में शामिल होगा। तो कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज कमीशन इज ए रिवॉर्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड। ट्रू वैल्यू ने जो सर्विस दिया है उसके बदले में उसको वो कमीशन मिला है। तो दो बातें देखो, एक तो सेकेंड हैंड गुड्स को शामिल नहीं करेंगे सेल एंड परचेज को, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स के सेल एंड परचेज का जो कमीशन है ना उससे जरूर हम लोग शामिल करेंगे। फिर दो बातें आती है अपने खुद के लिए, मैंने मेरी फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाई, बेचा नहीं और वो मैंने खुद के लिए ही काम में ले लिया, तो उस प्रोडक्ट को भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा कि एज ए सेल ही वो हमारे लिए हुआ है। फिर से समझ लो ध्यान से, मैंने मेरे फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाया और उस चीज़ को बनाकर हमने खुद के लिए ही काम में ले लिया, तो सेल तो नहीं हुआ ना,
लेकिन ये ऐसे सेल ही माना जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि आप ये आपकी फैक्ट्री में नहीं बनाते, तो कहीं और से तो खरीद कर लाते ही लाते ना। इसको कहा जाता है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। जैसे मार्केट में बनाया है वहां से हम लोग खरीद कर लाए हैं, वैसे इसे शामिल करेंगे। जैसे कार बनाया प्रोड्यूसर ने और खुद के लिए ही बेटा ना इसको यूज कर लिया ट्रांसपोर्टेशन में, या खुद के एम्प्लॉई के लिए यूज कर लिया, तो वो आप लोगों के लिए नेशनल इनकम में शामिल बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि वो एज ए सेल हमारे लिए कहलाएगा। अब इसी तरीके से मैं कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे यहां पर किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए मैं ना इंप्यूटेड वैल्यू रॉ मटेरियल को काम में ले रहा हूं। टेक्निकली इसको ऐसा कहा जाता है कि एक फार्मर है जो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो वीट प्रोड्यूस कर वो सेल करता है, मगर उसने सेल नहीं करा और घर पर ही काम में ले लिया, तो खुद के लिए ही काम में ले लिया ना, ये आप लोगों के लिए सेल ही माना जाएगा। इसको भी हम लोग यहाँ पर नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। इसको कहा जाता है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट अगेन बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। जैसे कि मार्केट में बना है, वीट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड बाई द फार्मिंग फैमिलीज देमसेल्फ, खुद के लिए काम में ले लिया, तो भले हम फैक्ट्री में बनाकर कोई चीज अपने यहाँ काम में ले रहे हैं, या हम लोग कोई इंप्यूटेड वैल्यू को हमारे यहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन में ले रहे हैं, दोनों को हम लोग नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। फिर इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उससे डबल काउंटिंग हो जाती है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वो कन्वर्ट हो गया हमारे लिए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में, तो सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंटरमीडिएट को शामिल नहीं करते। फिर आता है रेंट, इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। हमारे खुद के घर का रेंट एस्टिमेट कर का शामिल किया जाता है। इट डजेंट मैटर कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या हमने रेंट आउट कर रखा है। ये माना जाता है कि आप अगर खुद के मकान में नहीं रह रहे होते, तो कहीं और रह रहे होते और आप रेंट पे करते, तो इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, खुद का ही मकान है उसमें हम लोग रह रहे हैं ना, उसका हम लोग इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू बनाएंगे और वो हम लोग लेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑल हाउस है रेंटल वैल्यू, सब मकानों की रेंटल वैल्यू होती है, नो मैटर दीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड आउट। और आखिरी में बेटा हमारे लिए खुद के कंजम्पशन के लिए हम लोग कोई सर्विस दे रहे हैं, उसको हम लोग एज ए सैलरी शामिल नहीं करेंगे। जैसे हमारे घर पर हमारी मदर बेटा घर पर खाना बना रही है, तो उसके बदले में कोई सैलरी काउंट नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर शेफ है और वो किसी रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, उसके बदले में तो उसको सैलरी अर्न होती है ना टेक्निकली, तो वो नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर बाय एस्टिमेटिंग देयर मार्केट वैल्यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्विस फॉर हाउसवाइज, जो भी सर्विस दे रही है उनको हम लोग नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। देखो सात बातें, सबसे पहला तो हम लोगों ने ये कहा कि सेकेंड हैंड गुड्स के सेल एंड परचेज को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जब पहली बार बेटा सेल हुआ होगा ना, प्रोड्यूस हुआ होगा टेक्निकली, उस समय नेशनल इनकम में शामिल हो चुका होगा। हाँ, लेकिन उसके बदले में जो कमीशन अर्न हुआ है उससे हम लोग जरूर नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों के लिए जो आपने सर्विस दिया उसके बदले में अर्न हुआ है। अब ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट, नेशनल इनकम को शामिल करते वक्त आपने खुद के लिए कोई चीज बनाकर काम में ले ली, तो उसे नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। खुद के लिए बनाने में आपने कोई इम्प्यूटेड वैल्यू काम में ले ली है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो उसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। जैसे फार्मर ने वीट उगाया और वीट उगा कर बेचता, ठीक है सेल कहलाता, बेचा नहीं और खुद के लिए ही कंजम्पशन में वो वीट को काम में ले लिया, तो भी वो नेशनल इनकम में शामिल होगा। इंटरमीडिएट गुड्स को तो नेशनल इनकम में हम लोग शामिल करेंगे ही नहीं। इम्प्यूटेड रेंट है ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस का, तो उससे नेशनल इनकम को शामिल वैल्यू एडिट में शामिल किया जाता है, क्योंकि हर एक हाउस की रेंटेड वैल्यू होती है, डजेंट मैटर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या हम लोगों ने रेंट दे रखा है, रेंट दे रखा है तो ऑब्वियसली रेंट आता ही आता, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भी हम लोग उसे शामिल करेंगे। सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम लोग दे रहे हैं ना, उन सर्विसेज जो भी सर्विसेज हमारे हाउसवाइफ्स घरों में दे रही हैं, उनका कोई सैलरी वैल्यू नहीं बनता है। बाकी अगर आप मार्केट में रेस्टोरेंट में कहीं भी अब सर्विस दे रहे हैं और सैलरी मिल रही है, तो वो नेशनल इनकम में शामिल होगा। ये आप लोगों के लिए सेवन प्रिकॉशंस रिगार्डिंग टू
वैल्यू एडेड मेथड। अब 10 आती है हमारे लिए यहाँ पर इनकम मेथड में। अगर याद है तो इनकम मेथड में हम लोग सबसे पहले NDPFC निकलता था। इनकम मेथड में अगर हम NNPFC निकालते थे सीधा ही NDPFC निकलता था, उसमें सिर्फ नेट फीफा हम लोग ऐड कर देते थे। NDPFC बनाने के लिए हम लोग क्या कहते थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेते थे प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस लेते थे और प्लस मिक्स्ड इनकम लेते थे। मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम को कहते थे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं हो तो हमने ऐसा कहा था ना, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड्स। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज का नहीं लेते थे, एम्प्लॉयर का लेते थे। और पेंशन ऑन रिटायरमेंट हम लोग लेते थे। ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर आपको याद है दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो तीन चीजें रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हम लोग लेते थे। और प्रॉफिट अगर नहीं दे रखा हो तो फिर हम लोग तीन चीजें लेते थे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस कहते थे। अभी क्योंकि इतने सारे कॉन्क्लूजन है ना, इसलिए हमारे लिए यहाँ पर 10 प्रिकॉशंस है। एक चीज तो इनकम मेथड में सिर्फ फैक्टर इनकम आता है, ट्रांसफर इनकम नहीं आता है। ट्रांसफर इनकम जो हमें फ्री में मिला हो, जैसे ओल्ड एज पेंशन, पेंशन और रिटायरमेंट तो आता है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन हो तो वो नहीं लिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी मिल रहा हो तो ये ट्रांसफर पेमेंट कहलाएंगे। इनकी वजह से कोई वैल्यू एडेड इन इकोनॉमी नहीं होता है, इसलिए ये हमारे लिए ना इंक्लूड नहीं किया जाता है। हाउएवर एज ऑलरेडी नोटेड, रिटायरमेंट पेंशन आर टू बी इंक्लूडेड। अभी कहा ना पेंशन और रिटायरमेंट को तो इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, एज दीज आर पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि ये पेंशन और रिटायरमेंट हमारे लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। साथ ही में इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज अगर आपका हुआ है तो उसे इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज आपका है जिससे कि आपने थेफ्ट से कमाया है, गैम्बलिंग से कमाया है, तो उससे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। एज रिगार्ड इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी इट इज नॉट इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेशन आर अवेलेबल फॉर सच इनकम। तो इलीगल इनकम का हमारे पास कोई एस्टिमेशन होता नहीं है, नेशनल इनकम में इसको शामिल नहीं किया जाता है टेक्निकली। अच्छा, ये तो अपने अभी पीछे भी पड़ा है, सेकेंड हैंड गुड्स के सेल एंड परचेज का जो कमीशन है उसे हम लोग शामिल करेंगे। ब्रोकरेज अगर मिला है बेटा हमारे लिए शेयर्स एंड बॉन्ड्स पर, अगर आप किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं ना तो जो ब्रोकर है उसको आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। वो ब्रोकरेज उस बंदे की इनकम हुई ना, ये तो सर्विस के बदले में इनकम है, वो एक फैक्टर इनकम है, उसके लिए फैक्टर सर्विस के बदले में अर्न की गई है, इसलिए उसको हम लोग जरूर शामिल करेंगे। अगर आपको कोई विंडफॉल गेन हुआ है, जैसे कोई लॉटरी से आपको मिला है, तो इसको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि विंडफॉल गेन जैसे लॉटरी वगैरह आपको कुछ लग गई तो इससे आपकी कंट्री में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। लाइकवाइज इनकम इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम। इसी तरीके से अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन किसी फिक्स असेट्स को बेचने से जो आपको बेनिफिट होता है ना उसको कैपिटल गेन कहते हैं, उससे भी हम लोग नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। तो पांच चीजें देख लेते हैं, पहले एक बार ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, इलीगल एक्टिविटीज के बदले में जो इनकम हुआ है उससे नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स के सेल एंड परचेज पर जो कमीशन मिला है उससे नेशनल इनकम में बिल्कुल शामिल करेंगे, ब्रोकरेज अगर आपको सेल एंड परचेज और शेयर एंड बॉन्ड्स के बदले में मिला है तो नेशनल इनकम में आएगा, विंडफॉल गेन या कैपिटल गेन हुआ है तो उससे नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रेंट, ये वही पीछे भी अपन ने देखा है, इंप्यूटेड रेंट ऑनर्स हाउस का बेटा हम लोग लेंगे, चाहे वो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या रेंटेड हो। सेल्फ के प्रोडक्शन पे बेटा जो भी आपने कंजम्पशन किया है कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी हमारे लिए पीछे था कि हमने कार बनाया और खुद के लिए काम में ले लिया तो उससे नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। कॉरपोरेट टैक्स से डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कंपोनेंट होते हैं प्रॉफिट के, तो अगर आपने वंस प्रॉफिट को ले लिया है तो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कहा था अगर प्रॉफिट ले लिया तो फिर डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को शामिल करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट नहीं दे रखा हो तो फिर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेट, ये ना अभी देखा अपने
बेटा प्रॉफिट अगर ले लिया तो इन तीनों को फिर और लेने की जरूरत नहीं है, तीनों अगर नहीं लिए तो फिर हम लोगों को प्रॉफिट को लेना पड़ेगा। फिर हमारा इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स को तो प्रॉफिट का पार्ट मानते हैं इसलिए उसको हम लोग शामिल करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स अगर दिया गया है तो इनकम टैक्स था बेटा हमारे लिए इस पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कंपनसेशन एम्प्लॉय हो गया उसके बाद उसको चुकाया जाता है, इसलिए इसको कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। कॉरपोरेट टैक्स इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट सो इट इज इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ले लिया है तो फिर उसको नहीं लेते, नहीं लिया तो फिर कॉरपोरेट टैक्स लेते। इनकम टैक्स तो कंपनसेशन एम्प्लॉय जब अपन ने दे दिया ना उसको, मेरे को आपने सैलरी दे दी तो मेरी सैलरी में से मैं इनकम टैक्स दूँ, इसलिए इनकम टैक्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। वेजेस एंड सैलरी इन कैश इन काइंड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉई एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एनी ऑफ दीज कंपोनेंट शुड नॉट बी सेपरेट एडेड वंस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन इंक्लूडेड। वही बात यहाँ है, अगर आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ले लिया है तो फिर ये लेने की जरूरत नहीं है ना, सैलरी एंड वेजेस इन कैश इन काइंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा है तो फिर इनको अलग से इंक्लूड करेंगे। अगर मैं इनको भी इसको भी ले लूँ इनको और एड कर दूँ तो डबल काउंटिंग हो गया ना, वही तो प्रिकॉशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो 10 प्रिकॉशन है, देखो ट्रांसफर इनकम को नहीं लेते हैं, इलीगल इनकम को नहीं लेते हैं, कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को लेंगे, ब्रोकरेज बेटा परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स को लेंगे, विंडफॉल गेन कैपिटल गेन को शामिल नहीं करेंगे, इंप्यूटेड रेट ऑफ ऑनर हाउस को शामिल किया जाएगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को शामिल किया जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेट प्रॉफिट का पार्ट है। तो अगर प्रॉफिट ले लिया तो इनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई में से अलग से चुकाया जाता है इसलिए उसको इनकम टैक्स को कभी शामिल नहीं करते। सैलरी इन वेजेस इन कैश काइंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर हमारे लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई का पार्ट है इसलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई को ले लिया तो इनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ ले आपसे कि प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड बताओ, तो एक्सपेंडिचर मेथड में याद आए ना तो हम लोग जीडीपी एमपी निकाल पाते थे पहले, और जीडीपी एमपी निकालने के लिए अपन ने ऐसा कहा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट को हम लोग लेते थे। प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए तो कोई लॉजिक आपको नहीं दे रखा होता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए आपको ऐसा दे रखा था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में दो आते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कोई कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, फिर मैंने कहा था ना अगर ये ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन हो तो जीडीपी एमपी आएगा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो तो एनडीपी एमपी आएगा। तो दो बातें आती हैं, एक तो आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक आता है हमारे लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम लोग फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सकता था, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी हो सकता था। और फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर नहीं दिया हुआ हो तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर, बेसिकली फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर, फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, और एक अपन ने कहा था फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस को हम लोग लेते हैं। ऐसा अपने प्रैक्टिकल में सारा रीड किया था। जी डी पी एम पी आ जाता है फिर तो एन एन पी एफ सी बना पाते ना, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, नेट फीफा को ऐड कर देते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देते हैं। ये सारा हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड में रीड किया। यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नहीं लेंगे क्योंकि वो भी ले लोगे तो डबल काउंटिंग आ जाएगी। तो ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग, फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंटरप्रेटेड एज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, उनको हम लोग अवॉइड करते हैं। तो सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल एक्सपेंडिचर को ही शामिल करते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स पर किया गया एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब हमने फर्स्ट टाइम जिसने खरीदा होगा ना उसने जब खरीदा होगा वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, शेयर एंड बॉन्ड खरीदने पर खर्चा जो करा है ना उनको नहीं शामिल करोगे, कि शेयर या बॉन्ड जब आप खरीद रहे हो
से कंट्री में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। हाँ, उसके बदले में जो ब्रोकरेज हाउस ने ब्रोकरेज कमाया वो जरूर शामिल होते हैं हमारे लिए, लेकिन एक्सपेंडिचर और शेयर एंड बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं होता है टोटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि पेपर क्लीन है, सिर्फ राइट इश्यू दिए जा रहे हैं आपको ना, कागज दिया जा रहा है, शेयर आपके नाम हो गया, कोई इससे वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर आते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आते हैं, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट नहीं आता है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट फ्री में बांट रहा है, जैसे ओल्ड एज पेंशन दे रहा है गवर्नमेंट ना, जो 60 साल से ज़्यादा वाले उनको 500 रुपये हर महीना दे रहा है, या स्कॉलरशिप दे रहा है, ये सब ट्रांसफर एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के, इनको शामिल नहीं करेंगे। और साथ ही में बेटा हमारे लिए इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन को हम लोग शुड बी टेकन शामिल करेंगे एज दिस गुड्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एस्टिमेशन ऑफ सीडीपी। और इसी तरीके से इम्प्यूटेड रेंट ऑन ऑनर्स हाउस को भी हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। कुछ सेलेक्टिव पॉइंट ध्यान रख लेने हैं आप लोगों को, ऐसा कुछ नाम लिख कर भी दे सकता है कि आएगा या नहीं आएगा, इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो इन प्रिकॉशंस के हिसाब से लॉजिक बनाना और फिर सोचना कि हमको लेना है या इनको शामिल नहीं करना। तो देखो, सबसे पहला तो हम लोगों ने बेटा प्रिकॉशंस पढ़ा वैल्यू एडिशन का, 7 प्रिकॉशंस हम लोगों को बुक में दिए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए 7 में सबसे पहला हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर हम लोग सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को शामिल नहीं करते हैं, उसका कमीशन हमारे लिए इंक्लूड होता है। सेल्फ के कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन करके हमने सेल्फ यूज कर लिया तो उससे शामिल करेंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए इम्प्यूटेड वैल्यू जो भी हमने लगाया है अगर हमारे यहाँ से तो उससे शामिल किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, खुद का रेंट इंक्लूड होगा हमारे लिए। सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज दी जा रही है उस सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। नेशन इनकम मेथड में 10 बातें, ट्रांसफर इनकम को नहीं लिया जाता है, इलीगल इनकम को शामिल नहीं करते हैं, कमीशन ऑन ब्रोकर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आएगा, ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स को भी शामिल करेंगे। इनकम हमारे लिए विंडफॉल गेंस और कैपिटल गेंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो इम्प्यूटेड रेंट खुद का ओनर हाउस का रेंट शामिल किया जाएगा। खुद का यूज़ हमने करा है तो वो जो प्रोडक्शन करा है हमारी फैक्ट्री से कार बनाकर खुद ही काम में ले ली तो उसे भी इंक्लूड करेंगे। कॉरपोरेट टैक्स डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉरपोरेट प्रॉफिट का पार्ट है, तो अगर आपने प्रॉफिट ले लिया तो इन तीनों को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बाद अलग से चुकाया जाता है। वेजेस एंड सैलरी कैश इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के पार्ट है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ले लिया तो इनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड में 5 बातें बेटा हमारे लिए, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं लेते हैं, सेकंड हैंड गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, शेयर एंड बॉन्ड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते, बस उसका ब्रोकरेज जरूर आता है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाई गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप वगैरह को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वजह से कंट्री में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। और इम्प्यूटेड वैल्यू जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है उस इम्प्यूटेड वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लेंगे, और इसी तरीके से इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर हाउस को भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। यह आपका प्रिकॉशन, यह आपका नेशनल इनकम का यूनिट, पूरा मैंने किक कर कर एक टॉपिक आपको बता दिया है, पूरे वे में नोट्स उसी वे में लिखे हुए हैं। कल जो क्लास लिया था और आज जो क्लास लिया है ये वीके ओरी के 4th चैप्टर में, 3 चैप्टर हैं वीके ओरी में, 2nd, 3rd, 4th। सेकंड आपका गुड्स से लेकर सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो वाले कॉन्सेप्ट तक, 3rd वाले में आप लोगों के लिए रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंस, और उसके बाद हमारे लिए वो 8 डेफिनेशनों तक जीडीपी एमपी वगैरह, वो 8 डेफिनेशन, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम का डिफरेंस, वहाँ तक आप लोगों का 3rd चैप्टर है। 4th चैप्टर में 5 थ्योरी क्वेश्चन, एक तो आपका डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम उसका अवॉइड जो हमने कल करा, 3 प्रिकॉशंस इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड का, और सारे प्रैक्टिकल जो शुरू के 7-8 लेक्चर हमने करे थे वो सारे 4th चैप्टर में दिए। अगर वीक थ्योरी ले रहे हो, ये सब कहीं भी और दूसरी बुक ले रहे होंगे तो ये सब कहीं भी मिल सकते हैं, ये पूरा नेशनल इनकम का आपका यूनिट था। तो ये 3 चैप्टर 2nd, 3rd, 4th वीके ओरी से फिनिश हो जाते हैं। तो ये तैयार करें अच्छे से, अच्छा खासा मार्किंग पार्ट है आप लोगों का ये एग्जाम के लिए।